हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग जो वीडियो कैसा लगा। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि लूना और एबिगुल जो थी फाइट स्टार्ट कर देते। लूना उससे बोलती कि एबिगुल तुम यू की फ्रेंड और मिस किर की एक स्टूडेंट हो, क्या सच में तुम मुझे रोकना चाहती हो या फिर मेरा एक इनेमी बनना चाहती हो ऐसे फादर के लिए जो कि एक गद्दार था। वो एबिगुल कुछ भी नहीं बोलती, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, लेकिन फिर भी बताती है चूंकि मैं यहाँ पर जन्मी थी उसने कभी मेरी तरफ डायरेक्टली नहीं देखा और उसकी आंखों में मैं हमेशा एक औजार की तरह थी जिसको बस एक बर्डन समझता था और इधर से उधर भेज देता था। साथ ही वो रोना स्टार्ट कर देती है, बोलती कि लेकिन फिर भी वो मैं जितना भी बास्टर्ड हो तो मेरी फादर जो है वो तुम्हारी नज़रों में कितना भी बड़ा बेशर्म या फिर कमीना इंसान हो, लेकिन फिर भी उसने मुझे जन्म दिया और उसने मुझे इतना ज़्यादा बड़ा किया। अगर वो गद्दार भी होगा या फिर जो भी हुआ होगा, इस पूरी की पूरी दुनिया की नज़र में वो कितना भी ज़्यादा बुरा क्यों नहीं हो जाए, लेकिन फिर भी वो मेरा फादर है और मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगी। लूना बोलती अच्छा तो इनसे तुम्हारा क्या मतलब, क्या मेरे फादर नहीं थे, क्या तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को नहीं मारा, मतलब तुम्हारा बाप और मेरा बाप कोई और। साथ ही वो गुस्से के साथ उसको बोलती कि तुम्हारे फादर ने मेरे घर को डिस्ट्रॉय किया, मेरे लोगों को मार डाला और जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ मैं सारे के सारे कत्तार को मार डालूंगी, उस हॉवर्ड को भी मार डालूंगी। अगर तुम यहाँ पे दोबारा मुझे रोकने के लिए आई तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। मैं तुमसे ये लास्ट बार पूछ रही हूँ, क्या सच में तुम यहाँ से जाने वाली हो या फिर मेरा सामना करने वाली हो। एबिगुल अभी भी रो रही होती है, बोलती कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैंने यूँ से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें वहाँ पर मरने के लिए नहीं जाने देना चाहती और ना ही मैं ये देखना चाहती हूँ कि कोई मेरे फादर को मार डाले। मेरे फादर ने तुम्हारे फादर को मार डाला, अगर तुम्हें रिवेंज चाहिए तो तुम मुझे भी मार सकती हो। तुम मुझे मार दो लूना, मुझे मार दो। और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन लूना उसको बोलती क्या तुम ऐसा कैस कह रही, मतलब तुम क्या कह रही हो, क्या तुम्हें खुद भी समझ आ रहा है। लेकिन साथ ही वहाँ पे एबिगुल के फादर यानी हॉवर्ड आ जाता है। हॉवर्ड बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा कहा एबिगुल, ये हुई ना मेरी बेटी होने के लायक हो गई तुम। साथ ही वहाँ पे लूना बोलती हॉवर्ड फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। हॉवर्ड बोलता है कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रिंसेस लूना उस डीमन वर्ल्ड से वापस आ गया था आ गए जाएगी, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी चूंकि तुम यहाँ पे आ चुकी अब तुम मरने वाली हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब कोई और सरप्राइज तुम यहाँ पे डिसाइड कर सकोगे। चलो ठीक है, पुरानी डायनेस्टी के जितने भी लोग थे उन सबको ख़त्म कर दिया और आखिरी निशानी तुम हो तो तुम्हें भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। सारे सोल्जर्स उसको होते हैं लूना को घेर लेते हैं। लूना बोलती कि तुम यहाँ पे सही टाइम पे आ गए, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। साथ ही वो अपने जो एसिया होती है उसकी पावर को रिलीज़ करते हुए जमीन भी मारती है और वहाँ पे दिखाते बहुत सारी लाइटनिंग रिलीज हो रही होती है। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को इधर से उधर चलाना स्टार्ट कर देती है, बोलती कि मैं तुम्हें मार डालूंगी और अपने बाप के मौत का बदला तुमसे लूंगी। बोलता है कि अच्छा मुझे लगता है कि तुम जब उस डिमन वर्ल्ड से वापस आए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो गई, लेकिन फिर भी लूना जो थी उधर फाइट कर रही थी। बोलता है कि लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो। साथ ही अपनी पावर को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। लूना उसकी पावर को रिलीज़ करता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उससे फाइट करने के लिए चली जाती है। एबिगुल अभी भी चिल्ला चिल्ला बोल रही थी लूना लूना मत जाओ मत जाओ, लेकिन लूना जो थी उससे फाइट करने के लिए जाती है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है उन दोनों के फाइट के वजह से। लूना बोलती कि बिना डेविल के पावर के भी मुझे आज काफ़ी ज़्यादा पावर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है, लेकिन फिर भी इस हॉवर्ड का जो पावर है ये पावर इतना ज़्यादा पावरफुल है जिसका सामना मैं भी नहीं कर सकती, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। लेकिन हॉवर्ड जो होता है अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और दिखाते हैं वो एक बहुत बड़ा पहाड़ है और लूना जो उसके सामने एक चींटी के बराबर होती है। बोलती है कि ये सेंस ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा चट्टान मेरे ऊपर गिर गया और मैं यहाँ से हिल नहीं पा रही, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। लेकिन क्या यही अंत है, क्या यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकती, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकती अपने फादर के और एम्पायर के बदले में। वो जो हॉवर्ड होता है बोलता है क्या तुम्हें समझ में आया प्रिंसेस लूना कि तुम्हारे टैलेंट जितना भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए लेकिन फिर भी तुम मुझसे कमजोर हो और इस एम्पायर का यही रूल है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वही हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे रहेगा और इस पूरी के पूरे एम्पायर में अभी मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट बंदा हूँ। साथ ही अपने स्वॉर्ड को पूरी तरफ उठाता है और लूना के ऊपर अटैक करने के लिए चला देता है, लेकिन तभी दिखाते उसके स्वॉर्ड के साथ किसी और का हथियार आकर टकराता है। वो बोलता है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रही हो एबिगुल, क्योंकि एबिगुल ने उसके स्वॉर्ड को अपने हथियार से रोक लिया होता है। और साथ ही वहाँ पे नेक्स्ट सीन वापस है हम लोग को यू और फ्रॉस्ट डैडी का दिखाया जाता है जहाँ पे उसने अटैक कर दिया होता है। फ्रॉस्ट डैडी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, बोलती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। यू बोलते हैं हाँ तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अभी ट्रीट करने वाला हूँ, तुम्हें अभी हील करने वाली हूँ, तुम्हारी इंजरीज को हील करने वाला हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करूँगा ज़्यादा तुम हीलोगी नहीं। फ्रॉस्ट डैडी बोलती है आखिर तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो, आखिर तुम हो कौन और तुम मुझसे चाहते क्या हो। यू बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं लेकिन तुम्हारे अंदर जो मिस्टीरियस आइस है उसके बारे में ज़्यादा चिंता करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कहाँ से मिला और मुझे नहीं लगता कि तुम इसे बताने वाली हो, क्योंकि मुझे जितना पता उसके हिसाब से ये एक अपोस्टल का पावर है और मिस्टीरियस आइस जो है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आइस मैजिक है, जिसको एक स्मॉल पर्सन से अगर स्मॉल पर्सन भी उसका अगर तुम्हारे बॉडी के साथ लीक हो जाए तो तुम्हारा पूरा का पूरा बॉडी खत्म हो जाएगा, कोई भी इंसान इसको सह नहीं सकता।
और इससे होने वाली मौत काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होगी क्योंकि ये धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी को ख़त्म कर देगा। बोलती कि नॉनसेंस, मैं अगर मानती हूँ इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ कि इस पावर को भी नहीं सह सकती, ये पावर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बोलता है कि ये तुम्हारे बारे में नहीं है कि तुम कितना ज़्यादा पावरफुल हो या कितना ज़्यादा कमज़ोर हो। एक रीज़न ये है कि ये अपोस्टल जो होते हैं अपोस्टल होते हैं, और कोई भी अगर अपोस्टल की पावर को ऐसे यूज कर सकेगा तो अपोस्टल को अपोस्टल कहलाने के लायक नहीं। और मैं ये तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अपोस्टल जो होते हैं प्योरेस्ट क्रिएचर होते पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जो कि इंसान नहीं होते, और उन सब के अंदर इमोशंस होते हैं। जितने भी इंसान होते हैं उन सब के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पावर को फुल्ली पोटेंशियल तक यूज नहीं कर पाते, जो कि उसको इंसान बनाए रखते हैं। और अपोस्टल के अंदर कोई भी ऐसा पावर नहीं होता, मतलब कि कोई भी ऐसा अफेक्शन या फिर इमोशन नहीं होता जो कि उसको अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने से रोक सके। क्या तुम अब मेरी बात को समझ में आ रही हो? बोलती कि जब मैंने इस आइस क्रिस्टल को खाया था, मतलब इसकी पावर को यूज करना चाहा था, तब भी मैं तैयार थी कि मैं मर जाऊंगी। और अगर तुम्हें यह मिस्टीरियस आईसी चाहिए तो तुम मेरे पेट को बेली को फाड़ के वहाँ से इस क्रिस्टल को निकाल सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पे बार बार मेरी बेइज्जती ह्यूमिलेट क्यों कर रहे? ये बोलता है कि तुम्हें ये ह्यूमिलेशन लगता है, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी तुम्हें मजाक उड़ाया या फिर कभी भी तुम्हें बेइज्जती किया है। यहाँ पे तुम्हें मैं जानता हूँ कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा नफरत करती हो, लेकिन फिर भी तुम एबिगुल के सिस्टर, और मेरे पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हें मार डालूँ। और चूंकि तुम मुझे बार बार इस बात के लिए जज कर रही हो कि मैंने तुम्हें ह्यूमिलेट किया, तुम्हारी बेइज्जती की, तो अब मुझे सच में तुम्हारी बेइज्जती करनी होगी या फिर तुम्हारे साथ रूड बिहेव करना होगा। और साथ ही वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब चला जाता है। फ्रॉस्ट लेडी बोलती है रुक जा, आखिर तुम यहाँ पे क्या करने वाले, तुम मेरे साथ क्या करने वाले? लेकिन यूज होता है उसको पकड़ता है और उसके साथ भी किस कर लेता है। ये यूज होता है दिन ब दिन ठरकी होता जा रहा है, हर लड़की को किस कर रहा है। उसकी हरकत देख के फ्रॉस्ट लेडी काफ़ी ज़्यादा सोच जाती है। वापस से हमें फाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एपिकुल और उसके फादर जो होते फाइट कर रही होती है। बोलता है मेरी डॉटर, आखिर तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? साथ ही वो अपने हथियार को छटकता है जिससे एपिकुल जो होती पीछे की तरफ जाकर ढकली जाती है और उसे लूना संभाल लेती है। लेकिन वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी पुराना डेनेस्टी जो था, पुराने एम्पायर थे, वो मर चुके हैं और आप थ्रोन पे बैठे हुए, आप राजा बन चुके हैं, इसलिए आप इन सबको छोड़ दो। मतलब कि ये जो आप मारपीट कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, इन सबको छोड़ दो और बार बार एक ही गलती करना बंद कर दो प्लीज़ फादर। वो उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि जाओ इसको मार डालो। वो मतलब अपनी सैनिकों को ऑर्डर देता है कि जाओ इसको मार डालो। सारे सैनिक बोलते हैं यस सर। साथ ही सारे सैनिक उन सबको मारना स्टार्ट मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी बोलती है कि प्रिंसेस लूना बस थोड़ी देर के लिए पीछे रह जाओ, मैं आपको यहाँ पे मरने नहीं दे सकती। साथ ही वो उन सारे बंदे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी जो होती है अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, बोलती है कि अब मुझे यही करना होगा, और उन सबसे फाइट कर रही होती है। ये देख के उसके फादर और लूना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बोलते हैं ये स्कारलेट फाइटिंग स्पिरिट है, आखिर इसने ये सीखा कहाँ से? लेकिन एबिगुल जो होती है अपने हथियार से उन सारे के सारे जितने भी आर्मी के मेंबर होते हैं उन सबको काफ़ी अच्छे से मार रहे होते हैं। उसके पीछे से एक बंदा जो होता है आर्मी का, वो अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने शॉट को अपनी हथियार को पीछे करते हुए उसके अटैक को रोक लेती है और फिर उसको भी एक जोरदार अटैक करके उसको भी वहाँ से उड़ा देती है और अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा रिलीज कर रही होती है। उसके फादर वहाँ पर आ जाते, बोलते कि मैं अभी तक बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि ये ब्लडी बैटल स्पिरिट तुम सीख चुकी है, तुम तो सच में मेरी बेटी होने के लायक हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी चांस देना चाहता हूँ, क्या तुम इस लड़की को अभी भी प्रोटेक्ट करना चाहती हो या फिर अपने फादर का साथ देना चाहती हो? बोलती कि मैं आपको लूना को मारने नहीं दूंगी, बाकी जो आपको मन वो कर सकती हो। बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें उसके साथ मार देने वाला हूँ। और वैसे भी चूंकि तुम यहाँ पे मरने वाली हो, तो मैं तुम्हें एक काफ़ी अच्छा सीक्रेट बताने वाला हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम को मारने का जो ऑर्डर था वो किसने दिया था? वो ऑर्डर मैंने पर्सनली दिया था, इसलिए तुम्हारी मॉम के मर्डर का जिम्मेदार मैं हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद एबिगुल काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता, बोलती क्या फादर आपने? और सिक्स आज हमारा ये एपिसोड होता है, ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि उसके फादर ने उसकी मॉम को मारने का ऑर्डर जो दिया था वो क्यों दिया था। तो अगर आप लोग के मन में कोई सजेशन हो कि वो ऑर्डर क्यों दे सकता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।